ये जो सरकार है ना, ये समझ लो एक बेलगाम बैल हो गया, और ये समझ रहे हैं कि इनकी लगाम नहीं है, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस बार इनका पाला किसानों से पड़ा है। जो बैल की लगाम होती है किसानों के हाथ में होती है, बस नकेल तो कस दिया है, अब लगाम खींचना बाकी है। लगाम जैसे जैसे खींचते रहेंगे सरकार वैसे वैसे झुकती रहेगी। अब भाजपा सरकार को कोरोना वहीं नजर आता है जहां पर उनकी गवर्नमेंट नहीं होती। अभी इन्होंने हैदराबाद निकाय चुनाव कराए थे, मोदी जी भी गए, शाह साहब भी गए, इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर दी, वहां पर इनको कोरोना नहीं दिखाई दिया। लेकिन जहां मजलूम किसान मजदूर अपने हक की आवाज़ उठाता है, वहां पर कोरोना का भय व्याप्त करके उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सरकार का एजेंडा आज से नहीं, काफ़ी पहले से है। अगर मुस्लिम कोई आंदोलन चलाते हैं, कोई मुस्लिम कोई आंदोलन शुरू करता है, कोई मांग रखता है, तो इस्लामिक हो जाता है। और ये सरकार की बहुत गलत नियति है और तरीका है कि जब भी कोई खड़ा होता है तो उसको कहीं ना कहीं आतंकवादी बना देना, उसको कहीं ना कहीं देशद्रोही बना देना। मोदी जी तो बाजीगर हैं, और सफल मदारी वो होता है जो हर बार नया तमाशा दिखाए। वो नया नया तमाशा दिखा रहे हैं। अब मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं NH 44 पर हूँ, जो हरियाणा पंजाब और दिल्ली को जोड़ने वाली रोड है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। कहीं पर खाना बन रहा है, तो कहीं पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, तो तरह तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर मेडिसिन का कैंप है और ये लोग दवाइयाँ देते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय किसान समिति है और इन्होंने भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। कई दिनों से इनका यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके की दवाइयाँ इनके पास हैं और किस तरीके के लोगों का इलाज कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप किसानों के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे, तो आपको क्या लगा कि किसानों के समर्थन में आना चाहिए? नमस्कार, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं सुनील शर्मा भारतीय पिछले लगभग 9 दिन से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ, और इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये किसानों की मुहिम जो शुरू की है सिर्फ पंजाब के किसानों ने, अब ये देशव्यापी हो चुकी है। और बुलंदी तो वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे पूरे देश के राज्य से किसान आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अब चूंकि मेरा पेशा किसानी तो नहीं है, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, तो मुझे लगा कि इनकी मांगे नाजायज़ नहीं है, मांगे जायज़ हैं और इनके भविष्य को अंधकार में बना रही है जो आने वाली 3 कानून पास किए गए हैं सरकार द्वारा। तो इनके इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भारतीय किसान समिति की तरफ से हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों से जो मैक्सिमम सपोर्ट हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल एड जो हम लोग इनिशियली एज अ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम सब कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा जैसा डर का माहौल मीडिया में कोरोना का बनाया जा रहा है। 9-10 दिन हो गए, हमें कोई जुकाम का इक्का दुक्का कोई पेशेंट नज़र आया होगा। मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी को स्किन पे एचिंग है, इचिंग हो रही है, बदहजमी हो रही है, फीवर हल्का फुल्का भी, वो भी इस वजह से क्योंकि वो 2-2 रातों से सोए नहीं थे, लगातार चल के आ रहे थे, इस वजह से बॉडी एक भी हो रही है। इसके अलावा हमें कोई सिम्टम्स कहीं दिखाई नहीं दिए, अच्छा कॉज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सोनीपत की SDM ने आदेश दिया था कि किसानों का कोरोना टेस्ट होगा, तो उस पर क्या कहेंगे कि क्या किसानों का कोरोना है यहाँ पर? हाँ, मैं बताता हूँ, आंदोलन में कोरोना दिखता है, बाकी जो नेताओं की रैलियाँ होती है उसमें कोरोना नहीं दिखता। तो सोनीपत के SDM किस कौन सी सरकार के अंदर आते हैं? खट्टर सरकार के अंदर। खट्टर सरकार कौन सी है? भाजपा सरकार। और केंद्र में कौन सी सरकार है? भाजपा सरकार। अब भाजपा सरकार को कोरोना वहीं नजर आता है जहां पर उनकी गवर्नमेंट नहीं होती। अभी इन्होंने हैदराबाद निकाय चुनाव कराए थे, मोदी जी भी गए, शाह साहब भी गए, इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर दी, वहां पर इनको कोरोना नहीं दिखाई दिया। लेकिन जहां मजलूम किसान मजदूर अपने हक की आवाज़ उठाता है, वहां पर कोरोना का भय व्याप्त करके उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अभी ले लीजिए, देव दीपावली बनारस में मनाई गई, वहाँ पर तो कोई कोरोना नहीं था। मोदी जी तो बाजीगर हैं, और सफल मदारी वो होता है जो हर बार नया तमाशा दिखाए, वो नया नया तमाशा दिखा रहे हैं। अब ये मुहिम को कुचलने का इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए उन्होंने एक बात की है कि वो करना शुरू करेंगे। 10 दिन से हमें तो कुछ दिखाई दिया नहीं, बाकी वो सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। राजा भोज के ज़माने में एक दिन के लिए एक मोची को भी एक दिन की सरकार बनाने का मौका दिया गया था, तो उसने एक दिन में चमड़े के सिक्के चला दिए थे। तो सत्ता में आया जब जो जिसकी सामर्थ्य थी उसने वो किया। आज जो सत्ता में बैठे हैं सत्ताधीश, उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, वो कर रहे हैं। कभी वो धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, फिर धर्म को छोड़ के फिर जातियों में आ जाते हैं, और फिर अब इन सबसे बात नहीं बनी तो कोरोना को लेके आगे बीच में। और मैं शुरू दिन से ही कोरोना को रियल मान ही नहीं रहा, इतना भय जितना व्याप्त किया जा रहा है उतना फैटल ये है नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष त्रिपाठी भारतीय
और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुहिम किसानों ने शुरू की है और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये मुहिम सिर्फ पंजाब के किसानों की है, तो ऐसा नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा और सरकार के नुमाइंदों को यहाँ आकर देखना चाहिए कि ये मुहिम सिर्फ पंजाब के किसानों की नहीं है, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा से भी आए हैं। मैं नॉर्थ इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हर तरफ के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों की मांगें बहुत जायज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो सरकार कानून बना रही है, सरकार को कानून नहीं बनाने चाहिए, किसी भी सेक्टर की भलाई के लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए, लेकिन उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए। अब किसानों की अगर बात करें, किसानों से कहीं नहीं पूछा गया कि MSP डाला जाए कानून में या ना डाला जाए, जमाखोरी को कितना बढ़ावा दिया जाए। आप भी जानते हैं कि अगर जमाखोरी बढ़ेगी, लोग स्टॉक करेंगे, तो जो महंगाई आज थोड़ा 2-3 गुना की स्पीड से बढ़ रही है, वो 20 गुना स्पीड से बढ़ेगी। तो इन सारी बातों पे सरकार को सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पे ध्यान भी देना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है तो तुरंत मीडिया उसको बता देता है कि इसमें देशद्रोही लोग हैं, क्या है कि आतंकवादी, खालिस्तानी, जैसे कि किसानों के प्रोटेस्ट को कहा गया खालिस्तानी लोग लीड कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो हंसी आती है, क्योंकि सरकार का एजेंडा आज से नहीं, काफ़ी पहले से है। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुस्लिम कोई आंदोलन चलाते हैं, कोई आंदोलन शुरू करता है, कोई मांग रखता है, तो इस्लामिक हो जाता है। आज अगर कोई मुहिम पंजाब से शुरुआत हुई, देखिए कोई भी मुहिम होगी, कोई ना कोई तो शुरू करेगा, और उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं इनको धर्म दिख जाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, वो बहुत गलत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके साथ फिर लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर भी वही है, पंजाब से लोग खड़े हुए क्योंकि बाकी लोगों को खड़ा होना शायद नहीं समझ में आ रहा था कैसे हम आंदोलन करें, अब बाकी लोग जुड़ रहे हैं, और ये सरकार की बहुत गलत नियति है और तरीका है कि जब भी कोई खड़ा होता है तो उसको कहीं ना कहीं आतंकवादी बना देना, उसको कहीं ना कहीं देशद्रोही बना देना। अगर उनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो गलत है। नहीं झुकेगी सरकार, झुक गई है। आप ये देखिए ना कि जब हम देखते हैं कि कोई आंदोलन पहले दिन चलता है 2-3 दिन, उसके बाद ही सरकार बैकफुट पर आ जाती है और सरकार कहती है आइए आप लोग अंदर आ जाइए, बुराड़ी में बैठ जाइए। ये सरकार के झुकने का पहला स्टेप था कि सरकार डर गई कि अरे ये लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए, इनको एक जगह बंद कर दिया जाए, बुराड़ी जैसी जगह पर। लेकिन जब हम लोग नहीं हटे यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर बने रहे, तो सरकार ने सोचा नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इनको अंदर बुलाते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। बात करने में भी पहले उन्होंने अपने कानून के बारे में बताया कि हमने ये बनाया, ये अच्छा है, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ अड़े हुए हैं, सारे किसान भाई यहाँ हैं, तो अब सरकार को झुकना पड़ रहा है, सरकार एक एक स्टेप बढ़ रही है। आज मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि सरकार अब कह रही है कि हम संशोधन लाने के लिए तैयार हैं, जो भी आपकी मांगे हैं हम उनको मांगेंगे, लेकिन अभी बात और आगे बढ़ेगी और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि किसान है, किसान ही इस देश में सब कुछ लेके आता है, अन्नदाता है। क्या आपको क्या लग रहा है कि आज किसान नेता फिर से गए हैं सरकार के पास, सरकार बातें मानेगी उनकी? देखो सरकार को तो सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये समझ लो एक बेलगाम बैल हो गया, और ये समझ रहे हैं कि इनकी लगाम नहीं है, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस बार इनका पाला किसानों से पड़ा है। जो बैल की लगाम होती है किसानों के हाथ में होती है, बस नकेल तो कस दिया है, अब लगाम खींचना बाकी है। लगाम जैसे जैसे खींचते रहेंगे सरकार वैसे वैसे झुकती रहेगी, ठीक है? तो ये भूल गए थे, अब इन्हें आगे बढ़ना है। इससे मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, दो बातों में मैंने अपनी बात खत्म कर दी। पंजाब से चल के आई है, इनसे भी आप जुड़ेंगे, आप बताइए पंजाब से चलकर आई हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम तो मनप्रीत कौर भारती है, मैं पंजाब तो गुरदासपुर तो चल के आई हूँ, क्योंकि देखो थे किसान स्पोर्ट दिल आई थी। किस दिन आप यहाँ पर पहुंची? यहाँ पर मुझे 3 दिन हो गया, इन आज चौथा दिन है, बहुत वधिया भी लग रहा है, सारी यूनिटी के नाल चल रही है। इधर सानू कह जाता है कि हरियाणा जो पंजाब है सारा अलग है, सानू अलग अलग दसया जाता है, लेकिन आप इतने आने के देखिए कि सारे यूनिटी के काम कर रहे हैं, है ना? इतने मुस्लिम भाई भी जी है वो सेवा कर रहे हैं, जो हिंदू वीर है वो भी सेवा कर रहे हैं, सारी यूनिटी, लेकिन सानू इन्होंने जाता धर्म के पता नहीं कितने वंड के रखा हुआ है, इस करके आप सारे यूनिटी के चल रहे हैं। तो देखिए कि किसान के आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लंगर लगाए हुए हैं, कुछ और भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिसिन का कैंप लगा हुआ है, किसान समिति, भारतीय किसान समिति की तरफ से यहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाया गया है, और जो
इन तक जो सारी दवाइयां हैं, जो किसी को नज़ला हो रहा है या फीवर है हल्का फुल्का, दवाइयां दी जा रही हैं। तो इन लोगों को भी लगा कि किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग लगातार 9 दिन से यहाँ पर अपना कैंप लगाए हुए हैं और लगातार किसानों का आंदोलन जारी है।